Welcome to Inside Tax. Here we will learn about the power transmission element and control system. आगे हमने सीटी का कंस्ट्रक्शन जाना था, फिर सीटी का सेकेंडरी वायरिंग किस तरह से होता है वो जाना था, और सीटी का जो कोर्स होती है वो कोर किस तरह से यूज होती है वो जाना था, और सीटी जहाँ पे होती है वहाँ जंक्शन बॉक्स का वायरिंग जाना था, और वहाँ से 3-4 वायर हमारे कंट्रोल रूम की ओर आते हैं। तो अभी हम जानेंगे कि वो कंट्रोल रूम में आके किस तरह से वायरिंग होता है। तो यहाँ पे एक सीटी का मीटरिंग कोर दिया गया है, जैसे आगे की वीडियोस में देखा था कि मीटरिंग कोर का वायरिंग किस तरह से होता है। तो यहाँ पे मीटरिंग कोर का वायरिंग हुआ है 3-phase का, और यहाँ से 4 वायर D11, D31, D51 एंड D71 वो कंट्रोल रूम की ओर जाते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि कंट्रोल रूम में वायरिंग किस तरह से होता है। तो आइए देखते हैं पैनल के अंदर का वायरिंग। तो यहाँ पे है करंट ट्रांसफार्मर 3-phase वायरिंग इन मीटरिंग सर्किट इन पैनल, यानी कि कंट्रोल पैनल में वायरिंग किस तरह से होता है। तो कंट्रोल पैनल में सबसे पहले आपको TBs दिया गया होगा कि जहाँ पे मीटरिंग के वायर्स हमारे यार्ड से आते हैं, तो वो यहाँ से यार्ड से पैनल में आते हैं। फिर पैनल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं वो देखते हैं मीटरिंग सर्किट के लिए। तो सबसे पहले होता है TTB, दैट इज टेस्ट टर्मिनल ब्लॉक। उसके बाद KWH मीटर, जहाँ पे एनर्जी का मेजरमेंट होता है। फिर मेगावाट मीटर, यानी कि अभी कितना मेगावाट पास हो रहा है वो इसमें दिखा रहा है एट ए टाइम। फिर MVR मीटर, पावर फैक्टर कैसा है वो दिखाता है इसमें। और एम्पियर मीटर तीनों फेज का, कि तीनों फेज में कितने एम्पियर पास हो रहे हैं। तो अभी इसका वायरिंग किस तरह से होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले D11 जो आता है वो TTB में जाता है। TTB में उस तरह से कनेक्शन होता है कि एक तरफ उसको MWH मीटर में जाता है, फिर MWH मीटर से R फेज का जो वायर है, अभी हम R फेज का वायर की बात कर रहे हैं, फिर से बाहर निकलता है और TTB की दूसरी ओर जाता है। फिर TTB में से निकल के वो वायर MW मीटर में जाता है, MW मीटर में से निकल के MVR मीटर में जाता है, MVR मीटर में से निकल के R फेज के एम्पियर मीटर में जाता है, और यहाँ से न्यूट्रल बनने के लिए निकलता है। तो वैसे ही Y फेज और B फेज का भी वायरिंग होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो D11 है वो TTB में से D12 बना, फिर मीटर में से निकल के D13 बना, TTB में से निकल के D14 बना, फिर MW में से निकल के D15 बना, और MVR में गया, MVR में से निकल के D16 बना, और वो एम्पियर मीटर में गया। अभी एम्पियर मीटर में वहाँ पे तीनों फेज का कंबाइन होता है और न्यूट्रल में जाता है, इसीलिए वहाँ पे D71 बनता है। तो इस तरह से तीनों फेज का वायरिंग है, कलर कोड में दिया गया है। अभी आगे हम देखेंगे इसमें करंट किस तरह से पास होता है। अभी जब एनर्जी मीटर सर्विस में रहेगा तब किस तरह से काम करंट पास होगा वो दिखाता है। तो TTB मीटर का जो यूज़ है वो वही है कि आप एनर्जी मीटर को सर्विस में रख सकते हो और उसको बाईपास कर सकते हो, यानी कि एनर्जी मीटर में अगर कुछ काम करना है तो बाकी की सर्किट को डिस्टर्ब किए बिना काम कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि एनर्जी मीटर सर्विस में रहेगा तो करंट किस तरह से पास होगा। तो देखिए यहाँ पे जो लाल डॉट है वो करंट है, तो
इस तरह से करंट पास हो रहा है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। आपको दिखाने के लिए एक छोटा सा एनिमेशन बनाया हुआ है। अभी एनर्जी मीटर आउट ऑफ सर्विस रहेगा तो कहाँ से जाएगा, यानी कि D11 से जो D12 में गया था वो अभी डायरेक्ट D14 में जाएगा। देखिए यहाँ पे नीचे गया तो एनर्जी मीटर बाईपास हो गया, यानी कि एनर्जी मीटर में अगर कुछ काम करना है, एनर्जी मीटर का टेस्टिंग करना है, तो वो सब यहाँ पे हो सकता है चालू में। अभी देखिए हमने आगे वीडियो में देखा था कि करंट किस तरह से पास होता है, तो ये आर फेज का करंट है जो सीटी में बना है, वो 1 एम्पियर बन के बाहर आया तो वो D11 में गया, D11 में गया पैनल से, वो अभी पैनल में सब कंपोनेंट्स में पास हो रहा है, और जहां सब कंपोनेंट्स में से पास होके फिर वो न्यूट्रल बनता है और न्यूट्रल फिर से वापस D71 में आता है। यहां पे फिर से D71 में बाहर आता है। जैसे कि हमने आगे मीटरिंग सर्किट देखा तो उसी तरह से बैकअप प्रोटेक्शन का सर्किट पैनल में किस तरह से होता है अभी वो देखते हैं। तो बैकअप प्रोटेक्शन का हमने आगे देखा था सर्किट कि आउटडोर सर्किट किस तरह से होता है, कि आर फेज में से जो प्रोटेक्शन कोर होती है उसके वायर्स आते हैं, वो R2S1 R2S2 में से आते हैं और उसका जो कॉम्बिनेशन बन के अपने को 3 फेज 4 वायर निकलते हैं वो C11, C31, C51 एंड C71 निकलते हैं। तो पैनल में किस तरह से जाते हैं वो अभी देखते हैं। तो पैनल में जो बैकअप प्रोटेक्शन है उसके लिए पैनल में एक TTB होता है और एक बैकअप रिले होता है जिसको ओवर करंट एंड अर्थ फॉल्ट रिले बोलते हैं। अभी TTB हर जगह रहता है, तो TTB का काम क्या है, उसका नाम है टेस्ट टर्मिनल ब्लॉक, यानी कि कभी भी हमें किसी चीज़ को टेस्ट करना है, यानी कि यहाँ पे अपने को रिले टेस्ट करना है तो वो TTB से टेस्ट हो सकता है। तो उसके लिए पूरा वायरिंग ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे उस तरह से वायरिंग ओपन करने की प्रोविजंस रहती है। तो जो वायर अपने बाहर से आए आउटडोर से C11, C31, C51 एंड C71 वो यहाँ पे TTB में गए और TTB में से होके अपने ओवर करंट एंड अर्थ फॉल्ट रिले यानी कि बैकअप प्रोटेक्शन रिले में गए। उसमें करंट किस तरह से पास होता है वो देखते हैं कि जो C11, अभी हम आर फेज की बात कर रहे हैं, तो आर फेज में जो करंट पास हो रहा है और वो करंट नॉर्मल कंडीशन में पास हो रहा है और न्यूट्रल से बाहर आ रहा है। अभी जब फॉल्टी कंडीशन आएगा तब क्या होगा वो देखते हैं, यानी कि फॉल्टी कंडीशन यानी कि अभी यहाँ पे हम ओवर करंट देखते हैं, तो ओवर करंट में और अर्थ फॉल्ट में क्या होता है। तो यहाँ पे एनिमेशन में दिखाया कि हमने फास्ट करंट पास हो रहा है, तो ये ओवर करंट आप मान सकते हैं। तो जब भी ओवर करंट यानी कि करंट उससे लिमिट से ज़्यादा पास होगा तब क्या होगा, तो रिले में करंट पास हुआ उसके साथ यहाँ पे ये जो ब्रेकर का ट्रिप कमांड दिया गया है वो ऑपरेट होता है, वो ऑपरेट होता है यानी कि ऊपर का पॉजिटिव जो कमांड होता है पॉजिटिव वो नेगेटिव से मिलता है, तो ब्रेकर को ट्रिप कमांड जाता है, यानी कि जब भी ओवर करंट होगा तो ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। जो थर्ड कोर है यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन कोर, यहाँ पे हम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के लिए उसको यूज कर रहे हैं, तो वो किस तरह से होगा वो देखते हैं। जैसे कि तीसरा कोर जो है वो
स्पेशल प्रोटेक्शन कोर है, तो उसको यहाँ पे हम डिफरेंशियल के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए उसका नोमेनक्लेचर रहेगा A11, A31, A51, A71। तो आगे हमने वीडियोस में देखा ही है कि उसका थ्री फेज वायरिंग कैसे होता है। तो तीसरे कोर का वायरिंग यहाँ पे दिखाया गया है और पैनल के अंदर जाने वाले चार वायर अपने बन रहे हैं A11, A31, A51 और A71। अभी हम देखते हैं कि आगे वो पैनल में जाके किस तरह से काम करते हैं। तो पैनल के अंदर यहाँ पे भी सेम एक TTB होता है और उसके बाद डिफरेंशियल का रिले होता है। तो TTB में अपना जो बाहर से आ रहा है वायर वो TB में होके TTB में आएगा और TTB से डिफरेंशियल में आएगा। अभी डिफरेंशियल रिले जो है, तो डिफरेंशियल रिले में डिफरेंस किससे करना है, तो उसके लिए यहाँ पे LV साइड का CT जो रहता है उसको भी यहाँ पे डिफरेंशियल रिले में लाते हैं। वो कभी हम बाद में डिफरेंशियल रिले का डिस्कशन करेंगे, तब डिटेल में जानेंगे कि यहाँ पे जो LV का CT होता है वो भी आता है और HV का CT आता है, और दोनों में डिफरेंस अगर होता है तो रिले ऑपरेट होता है। तो अभी एनिमेशन में देखते हैं कि करंट पास होता है। तो जैसे ही हमने बैकअप में देखा था, सेम RPS का करंट पास हो रहा है और यहाँ पे सामने जो LV का CT है उसमें भी सेम करंट पास होता है। और अगर जब भी कभी फॉल्ट आएगा तो क्या होगा, तो फॉल्ट आएगा कि करंट फास्ट रहेगा जो फॉल्ट करंट रहेगा, और कुछ डिफरेंस आएगा HV और LV में, तो उसकी वजह से अपना जो ब्रेकर ट्रिपिंग कमांड है जो रिले का, वो ऑपरेट होगा। और सेम पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो नेगेटिव से जुड़ेगा और अपना ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। यानी कि कोई भी फॉल्ट कंडीशन में ब्रेकर को ट्रिप करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बैकअप प्रोटेक्शन का सर्किट लिया है और उसमें एक क्लेरिफिकेशन देना है कि आगे हमने जो एनिमेशन में देखा कि RPS का करंट जा रहा है और न्यूट्रल में जा रहा है, उसके लिए एक क्लेरिफिकेशन ये है कि अगर थ्री फेज बैलेंस सिस्टम होगा तो उसमें न्यूट्रल करंट पास नहीं होता है। यानी कि उसका तरह से पास होता है, यानी कि RPS, YPS, VPS तीनों का बैलेंस करंट होता है, तो न्यूट्रल में करंट जीरो रहता है, यानी कि अर्थ फॉल्ट में कोई करंट नहीं है। और ओवर करंट अगर होता है तो ओवर करंट में ये करंट अगर फास्ट जाएगा, यानी कि ज़्यादा करंट जाएगा लिमिट से, तो वो ओवर करंट में रिले को ट्रिप करता है। अभी जब फॉल्टी कंडीशन कोई होगी तब क्या होगा, यानी कि अगर आर फेज में फॉल्ट होता है तब क्या होगा वो हम देखते हैं। जैसे यहाँ आर फेज में फॉल्ट हुआ है तो वाई एंड बी फेज वो दोनों अपना बैलेंस के हिसाब से न्यूट्रल में करंट नहीं जाने दे रहे, लेकिन आर फेज में जो ज़्यादा करंट जा रहा है वो न्यूट्रल में जाएगा और उसके हिसाब से अपना अर्थ फॉल्ट ट्रिपिंग आएगा। तो थ्री फेज सिटी में किस तरह से वायरिंग होता है वो हमने यहाँ पे जाना, उसका कंट्रोल पैनल का वायरिंग जाना, और अभी सबस्टेशन में के अंदर थ्री फेज सिटी रहेगा तो उसका वायरिंग आप कर पाओगे। अभी हम जानना चाहते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियोस में क्या जानना चाहते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए और बताइए, तो हम उसके ऊपर भी इतना सिंपल वीडियो बना के आपके लिए लाते रहेंगे। सो काइंडली वॉच द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट।